हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवी इन शॉर्ट। एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड द मूवी गोस्ट शिप, जिसमें सोने की लालच में चली जाती है एक क्रू सदियों पहले खोए हुए एक गोस्ट शिप के अंदर, जहां मिलते हैं उन्हें कुछ जानलेवा राज। तो देरी क्यों, लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है और ये वक्त है 1962 का, जहाँ पर एक बहुत बड़े शिप पर कुछ अजीब हादसा होता है। शिप पर पार्टी चल रही थी और सभी डेक पर मौजूद पार्टी का मजा ले रहे थे। और हम यहाँ पर किसी मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि शिप के लीवर सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसा करने पर एक वायर पूरे डेक पर खड़ी सभी लोगों को बीच से काटते हुए आर पार हो जाती है। इस भयानक हादसे में बस एक छोटी लड़की केटी ही अकेली जिंदा बच जाती है। केटी हाइट छोटी होने की वजह से वो उस वायर से बच गई थी। लोगों को बीच से ऐसा कटा हुआ देखकर वो जोर से चीखती है और सीन अब चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर एक सैलवेज क्रू एक शिप को रेस्क्यू करके किनारे पर लाती है। इसके बाद ये सभी लोग क्लब में बैठकर अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहां पर इन्हें जैक फेरीमैन नाम का एक सर्विस पायलट मिलता है, जो उन्हें एंटोनियो ग्रोजा नाम के एक शिप के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जो कि सालों पहले कहीं पर गायब हो गया था। जैक उनसे कहता है कि जब ये शिप गायब हुआ था, इसमें ढेर सारा सोना रखा गया था और फ्लाई करते वक्त उसने इस शिप को बैरिंग से कहीं पर देखा है। सैलवेज क्रू डिसाइड करती है कि वो शिप को ढूंढने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट डे जैक के साथ मिलकर ये सभी लोग बैरिंग सी की ओर निकल पड़ते हैं। डेस्टिनेशन पहुंचने पर उन्हें वहां पर कोई भी शिप दिखाई नहीं देती। सडनली उनकी बोट समंदर के बीच ही किसी चीज़ से टकरा जाती है एंड लकीली किसी को कोई चोट नहीं लगती। उनकी बोट एंटोनियो ग्रोजा नाम के उसी खोए हुए शिप से आ टकराई थी, जिस पर ये सब लोग अब बहुत ही खुश होते हैं। जैक और ग्रीर के अलावा बाकी सभी लोग उस शिप में चले जाते हैं। शिप के अंदर उन सभी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। उन्हें एक साउंड आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक घड़ी तक जा पहुंचते हैं, जिसके पेंडुलम से आवाज़ आ रही थी। इनके आने पर पेंडुलम अपने आप ही हिलना बंद कर देता है और जब मुंडर उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो घड़ी से एक तेज़ आवाज़ आती है और वो बहुत ही डर जाता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक टेबल पर पड़ा हुआ स्क्रिबल का खिलौना अपने आप ही वर्ड्स बना रहा था, जिसमें लिखा था वेलकम। इन घटनाओं के बावजूद सोने की लालच में ये सभी और भी अंदर आ जाते हैं। अचानक मुंडर के नीचे की फर्श टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर मॉरिन उसे पकड़कर बचा लेती है, लेकिन मॉरिन जब मुंडर को बचा रही थी उसे नीचे वहाँ पर खड़ी हुई केटी दिखती है, जो इतने सालों के बाद आज भी बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रही थी। दोबारा देखने पर मॉरिन को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। सब मिलकर इन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन ये सब मॉरिन के लिए बहुत ही शॉकिंग था। बोट को सर्च करते वक्त डॉज को वहाँ पर एक डिजिटल घड़ी मिलती है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि 1962 के वक्त में कोई डिजिटल घड़ियां होती ही नहीं थी। इस पर मर्फी कहता है कि शायद उन लोगों से पहले भी कोई शिप को ढूंढ कर सैलवेज कर चुका है। शिप के मैनुअल को लेकर वो सभी वापस अपने बोट पर आ जाते हैं। रात में मॉरिन जैक से कहती है कि उसने शिप पर किसी छोटी बच्ची को देखा है। जैक उसका यकीन नहीं करता है और उसका वहम बताते हुए उसे आराम करने को कहता है। दूसरी सुबह क्रू को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है और शिप डूब रही थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि 3 दिन में वो उस होल को रिपेयर करके शिप को अपने साथ ही ले जाएंगे और तुरंत काम में लग जाते हैं। शिप के अंदर घूमती हुई मॉरिन एक स्विमिंग पूल के पास आ जाती है, जहां पर उसे कुछ बुलेट होल्स और बुलेट शेल्स दिखती हैं। वो इससे थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जब वो वापस ऊपर चढ़ने लगती है तभी उसके सामने केटी नजर आती है। डर के वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसमें अब खून बहने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्श पर पड़ा उसका खून अपने आप ही गायब हो जाता है, जैसे मानो ये शिप उसे एब्जॉर्व कर रहा हो। दोबारा देखने पर इस बार उसे वहाँ पर जैक दिखता है, जो उसे बाहर निकालता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल अब खून से भर जाता है और खून में बहुत सारी लाशें फ्लोट कर रही थी। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के रूम को एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ पर उसे एक वाइन से भरी हुई ग्लास मिलती है। जैसे ही वो उसे पीने के लिए उठाता है, उसे सामने आईने में खुद की जगह कैप्टन वाइन पीते हुए दिखता है। ये देखकर वो डर जाता है और उसके हाथ से वाइन की ग्लास नीचे गिर जाती है। सीन वापस मॉरिन और जैक पर आती है, जो लॉन्ड्री रूम से होते हुए इंजन रूम के दरवाजे खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही पानी की एक तेज लहर दूसरी ओर से आकर उनसे टकराती है, जिसमें बहुत सारी लाशें थी, और दोनों बहुत डर जाते हैं। वापस जाने के लिए जब ये लोग पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ से ये लोग आए थे वो डोर अब लॉक हो गया है। तो अभी लोग अपने खोले हुए डोर के रास्ते ही आगे बढ़ जाते हैं।
अब हम ग्रीड को देखते हैं जिसे फ्रांसिस्का की वॉइस सुनाई दे रही थी। फ्रांसिस्का 1962 में इसी शिप में सिंगर हुआ करती थी। जब ग्रीड इस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, मगर एज एन ऑडियंस हम फ्रांसिस्का को देख पाते हैं जो उसी के सामने बैठी हुई थी। जैक और मॉरिन वापस क्रू के पास पहुँचने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्हें एक रूम मिलती है जहाँ पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था। खुशी से जब दोनों बाकी के क्रू मेंबर्स को इसके बारे में बताने जा रहे थे, उन्हें लॉन्ड्री रूम से कुछ आवाज़ें आती है। मॉरिन अंदर जाकर जब चेक करने लगती है तो सफ़ेद कपड़े में लिपटा कुछ हिलता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे वो डरती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। तब उसे पता चलता है कि सफ़ेद कपड़े में छिपे हुए ये उसी के साथी थे जो उनके साथ प्रैंक कर रहे थे। मॉरिन पूरी क्रू को गोल्ड के पास ले जाती है। इतना सारा सोना देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं। डिसाइड करते हैं कि अब वो शिप को छोड़कर बस ये सारा सोना ही अपने साथ ले जाएंगे। वापस जाने के लिए सेंटोस बोट के इंजन को क्लियर कर रहा था, तभी वहाँ पर रखी हुई प्रोपेन की गैस सिलेंडर अपने आप ही ऑन हो जाती है। केटी, जो कि यह सब देख रही थी, मॉरिन को इसके बारे में वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई यहाँ पर आकर केटी को रोक देता है। बोट के ब्लास्ट हो जाने से अब ये सभी लोग इसी शिप में फंस जाते हैं। इस हादसे के बाद अब मॉरिन को बस केटी के राज के बारे में ही जानना था और उसे ढूंढने में लग पड़ती है। क्लूज का पीछा करते हुए उसे केटी की रूम मिल जाती है। दूसरी ओर डॉज और मुंडर को भी बहुत भूख लगने पर वो दोनों किचन में खाना खा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि जो खाना वो लोग खा रहे थे वो दरअसल कीड़े हैं और दोनों ही उल्टी करने लगते हैं। मॉरिन, जो कि केटी के कमरे में पहुंच गई थी, वहां पर उस रूम की तलाशी कर रही थी और उसे अलमारी में केटी की लाश मिलती है जो कि अब एक कंकाल बन चुकी थी। वहीं पर ग्रीर के साथ भी कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हो रही थी। वो जिस रूम में खड़ा था वहाँ पर सब कुछ अचानक ही 1962 के पहले शिप में बदल जाता है, उसी पहले रात की तरह जब हर कोई पार्टी कर रहा था और ग्रीर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हम मर्फी को देखते हैं जो कैप्टन के रूम में उदास बैठा था। उसके सामने रखी वाइन की बोतल अब अपने आप ही हिलने लगती है और मर्फी को अपने सामने कैप्टन का भूत दिखाई देता है जो उसे वाइन ऑफर कर रहा था। कैप्टन का भूत मर्फी को बताता है कि सारा सोना उन्होंने एक दूसरे शिप लॉरली से उठाया है, क्योंकि लॉरली शिप पर एक हादसा हुआ था जिसमें सब लोग मारे गए और बस एक ही सर्वाइवर बच गया था। कैप्टन मर्फी को उस आदमी की फ़ोटो दिखाता है तो मर्फी उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता। मॉरिन केटी के कंकाल से नेकलेस निकाल कर देख रही थी कि पीछे से वहाँ पर केटी की आत्मा आ जाती है। मॉरिन जब नेकलेस केटी के हाथ पर रखती है तब वो उसके हाथ के आर पार चली जाती है और मॉरिन को अब ये यकीन हो जाता है कि केटी एक भूत है। केटी मॉरिन से किसी ऐसे शख्स का जिक्र करती है जो लोगों की सोल्स यानी कि आत्माओं को कलेक्ट कर रहा है और जब वो इसमें कामयाब हो जाएगा तब मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। वो कुछ और बता पाए इससे पहले ही ये गोशिप केटी को डराकर भगा देती है। जाने से पहले केटी मॉरिन को इस शिप से भाग जाने के लिए कहती है। इधर मर्फी, जिसे एक डरावने राज का पता चला है, अपनी क्रू को इसके बारे में बताने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे हर जगह बस मरे हुए सैंटोस का भूत दिखाई देता है। ग्रीर को भी फ्रांसिस्का का भूत सीड्यूस करते हुए एक लिफ्ट के पास ले जाती है। जब ग्रीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मॉरिन मर्फी को ढूंढ लेती है, लेकिन मर्फी को उसमें सेंटोस का भूत दिखाई देता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। मॉरिन किसी तरह बच जाती है और मर्फी को ऐसी हालत में देखकर सब उसी जगह पर कैद कर देते हैं। इसके बाद बचे हुए सभी लोग मिलकर शिप को रिपेयर करने लगते हैं। मॉरिन को केटी फिर से मिलती है जो उसे शिप के राज को दिखाने के लिए 1962 के उस रात में बीती हुई वारदात शो करती है। लॉरेली शिप से आए हुए सोने के लालच में इस शिप के सभी शेफ्स ने खाने में जहर मिला दिया था और फिर शिप के बाकी स्टाफ फिर स्विमिंग पूल में जाकर बाकी लोगों को गोली मार देते हैं और फिर केटी को भी इन्हीं लोगों ने उसके कमरे में लेकर मार डाला। इसके बाद अभी लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। फ्रांसिस्का भी इन सब में शामिल थी जो लास्ट क्रू मेंबर को गोली मार देती है। ये सब कुछ वो लॉरेली शिप के आखिरी बचे हुए सर्वाइवर के लिए कर रहे थे और ये सर्वाइवर कोई और नहीं बल्कि जैक था। जैक इसके बाद फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटका कर मार देता है। जैक वही पायलट था जो मॉरिन के ग्रुप को इस गोश शिप पर सोने का लालच देकर लाया था। जैक एक डीमन है जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कलेक्ट करता है। इस जानने के बाद मॉरिन जल्दी मर्फी के पास जाती है। मर्फी को जिस जगह इन लोगों ने बंद किया था वहाँ पर पानी भर गया था और मर्फी डूब के मर चुका है। मर्फी के हाथ में वही फोटो था जो कैप्टन की भूत ने उसे दिया था और पिक्चर में जैक ही था। मॉरिन डॉज को जैक पर नज़र रखने के लिए कहकर मुंडर को ढूंढने के लिए चली जाती है। मुंडर इंजन रूम में ही फंस गया था जहाँ पर अब पानी भर गया है। इंजन अपने आप ही ऑन हो जाती है जिससे मुंडर के टुकड़े हो जाते हैं। जब पाइप्स में खून भर जाती है तो मॉरिन को पता चल जाता है कि मुंडर की भी मौत हो गई। दूसरी ओर डॉज को भी जैक की असलियत के बारे में पता चल जाता है और उसे गोली मार देता है। जैक को मरा हुआ समझकर वो यहाँ से चला जाता है। मॉरिन भी शिप में हर जगह अब बॉम्ब प्लांट कर रही थी। डॉज यहाँ पर आकर उसे शिप को ब्लास्ट करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से सोना भी शिप के साथ ही चला जाएगा।
जब मॉरिन पर इस लालच का कोई असर नहीं होता तब डॉज का फेस बदलने लगता है, जो कि दरअसल डीमन जैक था जो किसी का भी फॉर्म ले सकता है। वो मॉरिन से कहता है कि जिस तरह से तुम बोट्स को सैलवेज करती हो उसी तरह मैं सोल्स कलेक्ट करता हूँ, यही मेरा काम है। अगर वो शिप को डिस्ट्रॉय करेगी तो जितनी सारी सोल्स उसने आज तक कलेक्ट की हैं वो सब आज़ाद हो जाएंगी। फिर जैक मॉरिन पर हमला करके रिमोट उसे दूर कर देता है, लेकिन मॉरिन एक क्रॉसबो से बटन को शूट कर देती है और कुछ शिप से कूद जाती है। शिप ब्लास्ट हो जाती है और समंदर में डूबने लगती है। मॉरिन शिप के मलबे में बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी, यहाँ पर केटी आके उसे बाहर निकलने में मदद करती है। मॉरिन ने सभी सोल्स को डीमन की कैद से आज़ाद कर दिया। अब मॉरिन को एक दूसरी शिप देख लेती है और वो उसे ज़मीन पर ले आती है। एम्बुलेंस से वो जैक को देखती है जो अभी भी जिंदा था, और अपनी गोल्ड को जैक एक दूसरे शिप पर लोड करवा रहा था, यानी कि उसके सोल कलेक्ट करने का ये सिलसिला अभी फिर से किसी दूसरे शिप पर शुरू होगा। एंड इसी के साथ मूवी एंड्स। तो ये थी मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन ऑन द मूवी गो शिप। जाने से पहले वीडियो को